हमारे तरुण विजय जी, सिरसा साहब, हमारे प्रधान जी बब्बर साहब, सभी को प्रणाम करता हुआ। विषय सारा आ गया है। देखिए, अभी हम एक बार तरुण विजय जी के साथ मानगढ़ धाम में ये नए नए विषय खोज करके भी लाते हैं और प्रयास भी रहता है। ये नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी जो प्रधानमंत्री जी ने बनाई, उसके आप चेयरपर्सन भी हैं। तो वहाँ तो विषय था राष्ट्रीय स्मारक बनाना, यहाँ भी तरुण जी विषय राष्ट्रीय स्मारक बना रहे हैं। यहाँ भी विषय राष्ट्रीय स्मारक, वहाँ 1500 आदिवासी एक ही दिन में शहीद हुए, एक ही दिन पहाड़ था। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का वो एक ऐसा युद्ध मैदान बना और फिर भी वो कन्वर्ट नहीं, और अंग्रेजों से हारे नहीं, गोली खाली उन्होंने। अब यहाँ विषय देखिए किस तरह से कन्वर्जन करने के लिए उस समय के जो मुगल बादशाह होते थे किस तरह का अत्याचार करते थे। इसमें बाबा बंदा सिंह बहादुर, ये इनका बड़ा नाम है। मैं तो इधर जाता हूँ, लगी हुई है मूर्ति, लगी हुई है कई बार और ये गाड़ी से भी मैं शीशा खोल करके प्रणाम करता हूँ उनका। इतिहास जब मैं संस्कृति मंत्रालय में आया उससे पहले भी मैंने पढ़ा था, और जब बाद में आने के बाद पढ़ा तब तो लगा कि भी किस तरह की बहादुरी उनकी रही। आप देखो ना, 740 सिख परिवार, और एक एक दिन 100-100 ऐसे। मन कैसे उनके परीक्षा ले रहा था जी वो उस समय का जो शासन था, और किस तरह से उनके लड़के का कलेजा उनके मुंह में डाल दिया, और फिर भी हंस रहे हैं। ये धर्म की रक्षा के लिए अगर सर्वोच्च बलिदान जिसको कहा जाएगा कभी, तो बाबा बंदा सिंह बहादुर का ही कहा जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। बोले सोनिहाल। और अब तरुण विजय जी ने, आदरणीय सिरसा जी ने विषय रखा है, मैं निश्चित रूप से आपके साथ हूँ। संस्कृति मंत्रालय से इसमें जो आपकी डिमांड है राष्ट्रीय स्मारक की, तो एक रिपोर्ट तो आपको ही बनानी होती है। इसमें हमारी जो प्रक्रिया है उसके तहत रिपोर्ट नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी ही बना करके हमें देती है। निश्चित रूप से हम प्रधानमंत्री जी के समक्ष इसको ले जा करके जो आपकी डिमांड है उसको पूरा पूरा कराने का पूरा प्रयास करेंगे 100%। और मुझे विश्वास है प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसे विषयों को छूते भी हैं, पास में भी रखते हैं, विश्लेषण भी करते हैं, और जो जनता की आवाज होती है उसके अनुसार निर्णय भी करते हैं। बहुत निर्णय प्रधानमंत्री जी। बोले सो निहाल। आप सभी आप मेरे घर पे आए।